80 वर्षीय माँ को स्टेशन पर छोड़कर चले गए बेटे, रात भर बुखार में पड़ी कराहती रही वृद्धा। आइए जानते हैं इस दर्दनाक घटना के बारे में। माँ शब्द सबसे सुंदर शब्द है। इस शब्द में भावनाओं के कई इंद्रधनुषी रंग हैं। माँ का प्यार ही जीवन का पहला प्यार होता है, जो बिना किसी शर्त के आजीवन मिलता है। प्यार महसूस करने और फिर उसे जताने के सारे तरीके हर बच्चे अपनी माँ से ही सीखता है। आमतौर पर प्यार का नाम लेने पर प्रेमी प्रेमिका की तस्वीर ही मन में उभरती है, ऐसे ज़्यादातर लोग अनजाने में समझते हैं। मगर सच तो यह है कि प्यार का सबसे सुंदरतम रूप माँ का प्यार है। जो माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता के ऐसी दुर्दशा करते हैं। ऐसी ही एक घटना सामने आई है। 80 साल की उम्र में तेज बुखार से तपती मां को सर्द रात में अकेला छोड़कर चले गए। मथुरा जंक्शन पर सुबह आरपीएफ के वो प्लेटफार्म पर एक करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला बेंच पर कराहते मिली। वृद्धा को तेज बुखार था। आरपीएफ के जवानों ने महिला से पूछताछ की, लेकिन भाषा की वजह से कुछ समझ नहीं आया। जवानों ने महिला को बुखार की दवा दी। तबीयत में थोड़ा सुधार होने पर महिला से पूछताछ की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आरपीएफ के अनुसार महिला की भाषा समझ में नहीं आई। हालांकि उसके हाव भाव से ऐसा लगा कि रात में उसके परिजन उसे स्टेशन पर अकेला छोड़कर चले गए। आरपीएफ ने भरतपुर स्थित अपना घर संस्था से संपर्क किया। उसके बाद संस्था के लोग मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग महिला को अपने साथ ले गए। आरपीएफ प्रभारी सीवी प्रसाद ने बताया कि महिला से बातचीत में ऐसा लग रहा था कि उनके परिवार के लोग उन्हें यहां छोड़कर चले गए हैं। तो इस शर्मनाक घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।